नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में पूरे जोन में करीब 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब तक 150 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा 9 कोचिंग संचालक गिरफ्तार हुए हैं। आगरा में 2 कोचिंग संचालक गिरफ्तार हुए। 160 कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी किया गया है। बिना पंजीकरण ये कोचिंग सेंटर चल रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल ट्रैक पर पुलिस की नजर बनी हुई है। एडीजी ने सोशल मीडिया पर पैनी निगरानी रखने की बात भी कही है। इसमें पूरे जोन में करीब 11 मुकदमे लिखे गए हैं और अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो अराजक तत्व हैं और जिन्होंने इन प्रदर्शनों में पथराव, आगजनी इत्यादि अराजक कृत किए हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। पूरे जोन में करीब 248 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और इनमें से करीब 160 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 107(16) की जो CRPC की धाराएं होती हैं उनमें उनको नोटिस जारी किया गया है और उनको उनके साथ मीटिंग्स की गई हैं। उनको ये एडवाइस किया गया है कि वो अपने छात्रों को सही बात से अवगत कराएं और किसी भी प्रकार से कोई अराजक तत्व करने के लिए, अराजक कार्य करने के लिए प्रेरित ना करें। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ताज नगरी में सभी ऐतिहासिक इमारतों के साथ सभी सरकारी विभागों और 695 ग्राम पंचायतों में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी योग दिवस कर देशवासियों को निरोगी रहने का संदेश देते हुए नजर आए। योग दिवस की तैयारियों को लेकर फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की मर्जा पर एक दिन पहले चादर पोशी करते हुए देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी गई। इसके साथ ही फतेहपुर सीकरी में पंचमहल पर 21 जून को यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, योग जो है वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानवता के लिए, हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए और हार्मोनी के लिए भारत का एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर है। और योग जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश के संस्कार है और हमारी विरासत है, वो आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से और भारत के लोगों के संकल्प से आज पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रही है। फतेहपुर सीकरी जो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको एक आध्यात्मिक अनुभव होगा, एक रूहानी एहसास होगा। सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मैरिस रोड का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अग्निपथ योजना पर हुई वाद को लेकर अलीगढ़ की तहसील कोल से पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान का बयान सामने आया। वहीं अग्निपथ योजना के विरोध में देशभर में विवाद पर पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि अब कहां है बाबा का वो बुलडोजर जो विरोध प्रदर्शन करने वाले मुसलमानों पर चलता था, या फिर वो बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है। हाजी जमीरुल्लाह खान ने विवाद करने वाले युवाओं से अपील की है कि ये राष्ट्र अपना है और यहाँ संपत्ति भी अपनी है, इसलिए देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को दोहरी राजनीति करने की बात कहते हुए बुलडोजर पर ताना कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पर हम कटाक्ष करते हैं कि प्रदर्शन करने वालों पर जो बाबा का बुलडोजर चलता था वो बुलडोजर अब कहाँ चला गया है, या फिर वो बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है। तो यही कहूंगा कि बच्चों से कि ये संपत्ति अपनी है, देश की संपत्ति अपनी है, इसको नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन मैं उन दोहरी नेताओं से कहूंगा जो ये कहते थे कि सरकार का जरा सा भी नुकसान होगा तो वसूल किया जाएगा, आज ये साबित हो गया ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए था। कहाँ है बिल्डोजर, बाबा का बिल्डोजर कहाँ चल रहा है? बिल्डोजर हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, सिर्फ तुम हिंदू भाइयों को खुश करते हो मुसलमानों पर जुल्म करके, और उसी का नतीजा ये कि आज तुमने एक आदमी को मारा था जो बेचारा झारखंड के अंदर बच्चा
16 साल का बच्चा आंदोलन करा रहा, तुमने उसको गोली मार दी। ऊपर वाले का देर अंधेर नहीं है, आज तुम्हें पूरे सरकार को इम्तिहान में डाल दिया, यूपी के राजा को भी और सेंटर के राजा को भी इम्तिहान में डाल दिया भगवान ने, ऊपर वाले ने, कि इंसानों पे जब गोली मारोगे तो हम तुम्हें इम्तिहान में डालेंगे। अब इम्तिहान है, अब देखेंगे कितने ईमानदार हो तुम। तो क्या होना चाहिए? नहीं होना, बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए। अमेठी में विश्व योग दिवस पर समय पर व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। विश्व योग दिवस पर जहां पूरे उत्तर प्रदेश में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, वहीं अमेठी जनपद का जिला प्रशासन तैयारियों में फेल साबित हुआ। सुबह 6 बजे के निर्धारित समय के बावजूद योगाभ्यास नहीं शुरू हो पाया। करीब 1 घंटे से योगाभ्यास शुरू हो पाया था। अग्निपथ के विरोध को देखते हुए पूरे जनपद में पुलिस ने मार्च निकाला है, शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की है। वहीं लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अमेठी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक ने कमान संभाल ली है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने अमेठी कस्बे में रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे कस्बे में मार्च किया। वहीं पैदल मार्च के दौरान उपद्रवियों पर ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। तोड़फोड़ करने और आगजनी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमरोहा जनपद के मिनी स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी, एसपी विनीत जायसवाल, राजनीतिक दल ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने योग दिवस के इस मौके पर अमरोहा नगर के मिनी स्टेडियम में योग किया, जिसमें भाजपा के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर, अमरोहा नगर पालिका परिषद के चेयरमैन शशि जैन ने भारी संख्या में शहर के लोगों के साथ मौजूद होकर योग किया। औरैया में एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला। यमुना एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस अज्ञात वाहन से टकरा गई। रोडवेज बस में 56 यात्री सवार थे, जिसमें से 26 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को पीजीआई सेफई रेफर किया गया। रात करीब 1 बजे की घटना बताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे का एक पूरा मामला। योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन किया गया। बागपत में सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह और जिलाधिकारी राम कमल यादव ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में शिविर में लोग उपस्थित रहे। मड़ौत के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज में शिविर का आयोजन किया गया था। सतपाल सिंह बागपत सांसद, अनिल गर्ग मुख्य सचिव सिंचाई, राजकमल यादव जिलाधिकारी, रंजीत सिंह सीटीओ, अमित कुमार अपर जिलाधिकारी, आरटीओ सुभाष सिंह, एसडीएम मड़ौत रजनी पुंडीर, टूंडा अधिकारी उपस्थित रहे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बागपत जिले का बड़ौत शहर में जनता वैदिक कॉलेज में इतने विशाल स्तर पर, जहां लगभग 10-12 हज़ार लोगों ने इस योग में प्रतिभाग किया। सबसे पहले तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को दुनिया को देने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो काम हजारों लाखों वर्षों में हमारे ऋषि मुनि नहीं कर सके और प्रधानमंत्री जी के प्रयत्न से वो सफल हुआ। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लगभग 200 देशों के लोग योग दिवस मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं 21 जून को, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को एक योग के प्रति किया है, राज्य स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोगों ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा, और मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय सांसद जी ने, शासन स्तर से आए हुए नोडल अधिकारी साहब ने और बहुत बागपत की जनता ने बहुत बड़े स्तर पर एक आप एक व्यापक कम से कम 10-12 हज़ार लोगों ने एक साथ योग किया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और योग की जो महत्वता है हमारे जीवन में, उसका जो प्रचार प्रसार है, उसकी जो उपयोगिता है, वो हम लोगों के बीच ले जाना चाहते हैं कि लोग प्रतिदिन योग करें। ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, एक दिन की महत्वता नहीं है। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में योग को अपने जीवन में आत्मसात करें, वही हमारी असली सफलता होगी। प्रभारी निरीक्षक थाना गलावटी के नवनिर्मित कार्यालय और आगंतुक कक्ष का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
श्रोक कुमार सिंह द्वारा फीता काटकर लोकार्पण किया गया। थाना गुलावटी परिसर में आमजन फरियादियों के बैठने के लिए आगंतुक कक्ष बनाए गए हैं, जिसका SSP के करकमलों द्वारा फीता काटकर लोकार्पण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंद शेर द्वारा प्रभारी निरीक्षक गुलावटी अजय कुमार शर्मा को भी निर्देशित दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा के मौके पर हरिद्वार से जल लेकर जनपद बुलंदशहर क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधा देखी जा रही है और इसे सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और SSP श्लोक कुमार ने अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का भ्रमण भी किया। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग देवेंद्र शर्मा द्वारा जनपद बुलंदशहर में भ्रमण किया गया। कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम ग्राम कमालपुर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में लगभग 30 बच्चे केंद्र पर पाए गए उपस्थित, साथ ही सभी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त पाई गई। फतेहपुर जिले में एक विवाहित पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर ससुराल वालों पर दहेज की मांग करने और ना देने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सर, मैंने अपनी भतीजी की शादी किया था सुल्तानपुर गांव में। मेरी लड़की को शादी के ठीक 3 दिन बाद मारा पीटा गया। लड़की मेरी फिर मुझे बुलाया गया, जो भी मैंने दहेज दिया वो मेरा एप्लीकेशन में लिखा हुआ। उसके अलावा 2 लाख रुपया प्लस अपाचे गाड़ी मुझसे मांगा जा रहा है। मैं देने में असमर्थ हूँ, इसलिए इनका थाना जाफरगंज पड़ता है सर। जाफरगंज थाने गए तो वहाँ क्या हुआ? जाफरगंज थाने गए तो सर वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लड़की को लेके गए, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। गोरखपुर में खनन माफिया पूरी तरह पुलिस और प्रशासन की आंख में धूल झोंककर खनन शहर के मेन चौराहों पर फर्राटे भर रहे हैं। खनन माफियाओं का ट्रैक्टर और ट्रॉली वायरल वीडियो CCTV कैमरे में कैद हुआ। आप देख सकते हैं कि ट्रॉली पे मिट्टी लदे हुए सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज की तरफ से शास्त्री चौक की तरफ तेजी से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वहां पर खड़े लोग बाल बाल बच्चे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के माने तो ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में धुत था। हालांकि स्थानीय लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया, पुलिस को सौंप दिया है। विश्व योग डे पर जिले में पुलिस लाइन मैदान में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम, सैकड़ों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी स्कूली छात्राएं योग करते हुए नजर आए। योगा कर लोगों को निरोग रहने की ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश के प्रमुख सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण राजेश कुमार सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। हरदोई में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर कहा कि देश का युवा खुश है, सरकार की योजनाओं से खुश है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के किसी भी योजना से संतुष्ट नहीं है। वो लोग कुछ उपद्रवियों को आगे करके ऐसा काम कराते हैं। जौनपुर के शाही किला परिसर और शाहगंज के उत्सव वाटिका में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्र मंत्री अनुप्रिया पटेल, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, विधायक रमेश सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए और योग किया। वहीं योग कर रहे लोगों को उन पर पुष्प वर्षा भी की गई है। राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य मयंकेश्वर शरण सिंह और सांसद सुब्रत पाठक ने योग किया। पुलिस लाइन मैदान में योग हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग करते हुए सभी नजर आए। DMSP समेत जिले के कई अधिकारियों ने योग किया, योग का निरोग रहने का संदेश दिया। रूप से आज एक मतलब अच्छा अनूठा कार्यक्रम हुआ है और जनपद के मुझे लगता है एक बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें यहाँ भागीदारी की है। योग को अगर हम अपने जीवन में यदि अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग की निरोगी काया रहेगी और किसी भी काम में हमारा मन लगेगा।
सोमवार को सांसद जन सुनवाई केंद्र पर पहुंचे। दया वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा ने यातायात निरीक्षक पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया। यातायात विभाग के द्वारा ड्राइवर की सीट बेल्ट नहीं लगाने को लेकर चालान काटा। ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि उनकी खुद की गाड़ी थी, उनके पिता की सीरियस तबीयत खराब थी, इस दौरान अस्पताल की तरफ जा रहे थे, लेकिन कसिया में उनकी गाड़ी रोककर चालान काट दिया गया। उन्होंने कहा कि यातायात निरीक्षक को कागज भी दिखाया और खुद मरीज को पाइप और ऑक्सीजन लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने अनुरोध किया कि मानवता के आधार पर इनको जाने दिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रयागराज में प्रधानमंत्री की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। प्रयागराज में आजादी के अमृत महोत्सव पर विश्व योगा दिवस के मौके पर मंगलवार को सुबह संगम तट पर योगाभ्यास किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के साथ सांसद के श्री देवी पटेल, जिला अध्यक्ष विभनाथ भारतीय के साथ मंडलायुक्त संजय गोयल, जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार पांडे, एसपी सिटी दिनेश सिंह के साथ भारी संख्या में अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स के साथ योगाभ्यास करते हुए महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर थी। सहारनपुर के जिला खेल अधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए रिहर्सल भी पहले से ही कर ली गई थी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।